तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमसे क्या पूछा गया है। व्हाई इज द कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे बोला गया जब भी हम यहाँ पे इथेनॉल से इथेनोइक एसिड बनाते हैं तो ये हमारे यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। सबसे पहले आपको यहाँ पे समझने की जरूरत है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता क्या है। तो जब भी हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है तो वो हमारे यहाँ पे क्या कहलाया जाता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाया जाता है। या इसकी सिंपल डेफिनेशन आप यहाँ पे लिख सकते हो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। बट अगर मैं यहाँ पे इसके कन्वर्जन की बात करूँ तो इसको हमें यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, तो वो हम यहाँ पे दिखा लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ इथेनॉल की। तो इथेनॉल का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे यहाँ पे क्या होता है, CH3CH2, लास्ट में OH लग जाएगा, क्योंकि ये हमारे यहाँ पे क्या है, एल्कोहल ग्रुप का है। तो इसलिए हमारा जो फॉर्मूला होगा वो हमारे यहाँ पे क्या होगा, CH3CH2OH। और इसमें जो हमारे यहाँ पे ऑक्सीजन का एटम है वो हमारे यहाँ पे सिंपल 1 है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसके पास यहाँ पे क्या है, 1 ऑक्सीजन एटम है। अब यहाँ पे क्या होगा, जब इसका प्रोडक्ट बनेगा उसमें हमारे पास क्या होंगे, 2 ऑक्सीजन के एटम होंगे। अब यहाँ पे +2 ऑक्सीजन, और जो हम यहाँ पे 2 ऑक्सीजन ले रहे हैं ये हमारा किसका है, जो जो हम यहाँ पे एल्कलाइन पोटेशियम पर मैग्नेट लेंगे वो हमारे यहाँ पे क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वही यहाँ पे रिलीज करेगा ऑक्सीजन। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये हमारे यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन है। और ये कहाँ से आएगा, फ्रॉम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। अब यहाँ पे हम किससे रिएक्ट कर रहे थे, एल्केलाइन, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एल्केलाइन पोटेशियम पर मैगनेट, KMnO4 होगा इसका फॉर्मूला। और यहाँ पे एक और होता है उसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट बोलते हैं। दोनों में से हम यहाँ पे किसी एक से क्या करेंगे, इसको रिएक्ट करेंगे, और ये हमारे यहाँ पे क्या कहलाया जाता है, ये हमारे यहाँ पे है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये हमारे यहाँ पे क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसके बाद जो हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा वो हमारे यहाँ पे क्या बनेगा, इथेनोइक एसिड बनेगा। वो भी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ CH3COOH प्लस हमारे यहाँ पे क्या होगा, वाटर रिलीज होगा। क्या होगा हमारे यहाँ पे, वाटर रिलीज होगा। अब आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा होगा, पहले हमारे पास कितना था, सिंगल ऑक्सीजन एटम था, अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, 2 ऑक्सीजन एटम है। ये हमारे यहाँ पे क्या है, 2 ऑक्सीजन एटम। अब इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा प्रोडक्ट बना है इसमें हमारे यहाँ पे क्या, ऑक्सीजन एक बढ़ गया है, मतलब यहाँ पे क्या हो गया, ऐड हो गया है। तो अभी हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे एडिशन हो रही है ऑक्सीजन के प्रोडक्ट में, तो इसका मतलब ये हमारे यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। तो होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको यहाँ पे सिंपल ऑक्सीडेशन रिएक्शन की डेफिनेशन लिखनी है, वो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रही होगी। उसके बाद हमें यहाँ पे इसका कन्वर्जन शो कर देना है। तो होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।